गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीतू, योर हिंदी टीचर ऑफ सूरत स्कूल रेवाड़ी। आज मैं आपको पत्र लेखन के तरीके, उसका महत्व और कुछ उसके विधियां बताऊंगी, जिससे आपको पत्र लेखन पाठ 25 अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए समझें। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन पर विचार करेंगे। देखिए, पत्र लेखन बहुत पहले ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास उससे भी तेज़ गति से संदेश देने वाले संसाधन मौजूद हो गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आज भी पत्र का उतना ही महत्व है। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे ये कल मैंने आपको काम दिया था, जिसमें पत्र लेखन विधि, इसको पाठ परिचय करके आपको लिखना था। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है, पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप में हो। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो, मीन्स जो बात हम कहना चाहते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दूसरों को पत्र जिसके पास हम लिख रहे हैं उसे वो बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, उसकी भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे, बहुत बड़े वाक्य नहीं बनाने हैं। 2-3 अनुच्छेद हों। शब्द सीमा अधिकतम 150 तक हो। इससे ज़्यादा अधिक शब्दों में पत्र नहीं लिखना चाहिए। नेक्स्ट, संबोधन में जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करना है सबसे पहले, फिर उसके बाद उसका अभिवादन करना है, आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य लिखें, जिससे ये पता लग जाए कि पत्र कहाँ जाना है, किसके पास से आया है और किस तारीख को ये भेजा गया था, लिखा गया था। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम पत्र लिख सकते हैं। पत्र के अंग, पत्र के 3 अंग होते हैं। प्रारंभ, स्टार्टिंग, कैसे की जाए। पत्र में अभिवादन, पत्र में अभिवादन से शुरुआत करके जहाँ से पत्र शुरू होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला भाग जो है वो है प्रारंभ होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग करते हैं। दूसरा होता है मध्य, जिसमें हमें मेन, हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं वो उस बीच वाले हिस्से में आता है। और तीसरा पॉइंट आता है अंत, जिसमें हम धन्यवाद देते हैं या प्रेषक का नाम और पता, मीन पत्र भेजने वाला अपना पूरा पता लिखता है। पत्र के रूप में आधार पर संबोधन, अभिवादन और समापन, मीन्स जिन्हें पत्र लिखा हो। छोटों को तो हम संबोधन करेंगे, प्रिय, चिरंजीवी, चिरंजीवन, आयुष्मान, मीन्स यदि हमारे से छोटे हैं जिसे हम पत्र लिख रहे हैं तो हमें इन शब्दों से उसका अभिवादन, संबोधन करना चाहिए। अभिवादन, बहुत बहुत स्नेह, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभ आशीर्वाद। हमारे से जो छोटे हैं हम हमेशा उनके शुभ मंगल की कामना उसमें करते हैं। फिर है समापन, और अंत में शुभ चिंतक, मीन्स हम बड़े हैं तो हम उनके शुभ चिंतक हैं इसलिए, और उनकी शुभ इच्छा रखते हैं, हितेशी हैं, शुभ आकांक्षी हैं, मीन्स हमेशा उनका भला चाहने वाले हैं। तो नीचे ये सभी संबोधन समापन में ये सभी लिख, इनमें से कोई एक लिखकर नीचे अपना नाम लिखा जाता है। उसके बाद यदि हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें हमें उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए आदरणीय, पूजनीय, माननीय और श्रद्धेय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद अभिवादन में हम उनसे वो हमारे से बड़े हैं इसलिए हमें उनको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श आदि शब्दों से उनका सम्मान करना चाहिए। अंत में हम यदि हम अपने किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं तो हमें उनका अपना उनके साथ संबंध लिखना होता है, नहीं तो यदि हम
किसी कार्यालय को लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्रार्थी हो सकता है, अपने स्कूल में लिख रहे हैं तो आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य और शिष्या आदि लिखकर पत्र का समापन करना चाहिए। उसके बाद आता है यदि बराबर वालों को लिख रहे हैं, जैसे हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो हम उसमें मित्रवर या प्रिय लिखेंगे। ये स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। उसके बाद हम सहप्रेम नमस्ते, यदि वो हमारे साथ का है तो हम उसे प्रेम सहित नमस्ते लिखेंगे या नमस्कार लिखेंगे। और अंत में समापन में तुम्हारा हितैषी या शुभ अभिलाषी आदि शब्द लिखकर उसका समापन करेंगे। अपरिचित को या व्यावसायिक पत्र में, जैसे हम जो औपचारिक पत्र लिखते हैं उनके अंदर मान्यवर, महोदय, श्रीमान प्राय नहीं होता, माननीय होता है, सॉरी, हम उसमें मान्यवर, महोदय, श्रीमान या माननीय लिखकर संबोधन करेंगे। उसके बाद इसमें कोई भी हमें उनको कुछ भी हम मीन्स उनके बारे में कुछ ऐसा अभिवादन नहीं लिखना। और अंत में समापन करते समय प्रार्थी, भवदीय या भवदीय, विनीत आदि लिखकर पत्र का समापन कर दिया जाता है। उसके बाद है पत्र के प्रकार। ये भी मैंने पाठ परिचय में दिया था कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने मित्र अथवा परिवार के किसी भी व्यक्ति जो हमारा परिचित हो को निजी या व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में लेटर्स भी कहते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। किसी भी कार्यालय या संस्थान से जुड़े व्यक्ति जो अपरिचित हैं को व्यवसायिक या कार्यालय पत्र लिखे जाते हैं। इन्हें हम एप्लीकेशंस कहते हैं। यदि हमें किसी कार्यालय में अपना काम करवाना है, कोई सरकारी काम है जो हमारा नहीं हो पाया, तो हम एक पत्र के माध्यम से उन्हें संबोधन उसके बीच में मूल विषय और अंत में समापन लिखकर उस पत्र को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब ये आगे पत्र का प्रारूप दिया हुआ है कि हमें किस तरीके से पत्र लिखना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि पत्र दो प्रकार के होते हैं और हम दोनों प्रकार के पत्रों का अध्ययन करें इस पाठ में करेंगे। कुछ पत्र औपचारिक रूप से लिखे जाते हैं, कुछ में अनौपचारिकताएं निभाई जाती हैं, तो उन दोनों प्रकार के पत्रों को हम इस पाठ में याद करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।